नमस्कार दोस्तों, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों इन विचारधाराओं का, इन आइडियोलॉजीज का सही मायने में क्या मतलब है? क्या इनका असर रहा है हमारी दुनिया पर? क्या इनके फायदे और नुकसान हैं? स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो सीरीज में, जहां पर मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स और चीजें सिंपल भाषा में समझाने की, जिनकी हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने कोशिश करी है थोड़ी और गहराई में जाकर इनका असल मतलब समझने की। इस सीरीज की मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज के इस वीडियो से, जो होगा कम्युनिज्म के ऊपर। क्या है ये कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? एक लाइन में कम्युनिज्म का मतलब है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करे, अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे। अगर एक इंसान ज्यादा फिट है, मस्कुलर है, हैवी वेट्स उठा सकता है, तो वो अपनी एबिलिटी के साथ काम करे। अगर एक इंसान थोड़ा कमजोर है, डिसेबल्ड है, ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करे और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। और एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें मिले, अपनी नीड्स के हिसाब से। आप बोलोगे यहां पर, भाई ये तो बड़ी अजीब तरीके की सोसाइटी हुई, मैं यहां पर मतलब एक फिट और हेल्दी इंसान कड़ी मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, और उसके बदले मुझे मिलेगा क्या? बस कुछ चंद पैसे जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो पाए। एग्जैक्टली ये कैसे काम कर सकता है, इसको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कम्युनिज्म बेसिकली दोस्तों एक ऐसी सोसाइटी है, या फिर कह लो लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर करने का तरीका है जहां पर कोई पैसा नहीं है, एक मनीलेस सोसाइटी है, एक स्टेटलेस सोसाइटी है जहां पर कोई कंट्रीज नहीं होती, कोई बॉर्डर्स नहीं बने कंट्री के बीच में, और एक क्लासलेस सोसाइटी है जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब के बीच में फर्क नहीं है, और एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी जमीन, खेत, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब ऑपरेट किए जाते हैं और ओन किए जाते हैं लेबर्स के द्वारा, यानी हर किसी के द्वारा, जनता के द्वारा। हम लोग जब भी कम्युनिज्म शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन और चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं। लेकिन रियलिटी में दोस्तों अगर आप बेसिक डेफिनेशन पर जाओगे कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म के जो फाउंडेशनल आइडियाज हैं ये एक्चुअली में हजारों साल पुराने हैं। थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री आपको इसके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज से 10,000 साल पहले सोचिए इंसान कैसे रहते थे। ह्यूमंस रहते थे एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में, ट्राइब्स में। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म था। जब आप जंगलों में, ट्राइब्स में रहने लग रहे हो, हंटिंग और गैदरिंग करने लग रहे हो, तो वहां पर कोई पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर कोई एक कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। और कई ट्राइब्स में क्लास होगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन कुछ ट्राइब्स में हो सकता है उस टाइम पर कोई क्लास भी ना हुई हो, यानी सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हो, कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो। ऐसा नहीं है कि ट्राइब में कोई एक इंसान कह सके कि ये चीज मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। इन ट्राइब्स में यूजुअली जब भी आप कुछ खाना ढूंढकर आते थे या हंट करके आते थे, तो आप सबके साथ शेयर करते थे, शेल्टर भी सबके साथ शेयर करी जाती थी, ज्यादा से ज्यादा चीजें हर किसी के साथ शेयर करी जाती थी ट्राइब में। एक क्लोज्ड कम्युनिटी की तरह हर कोई रहता था। वैसे अगर आप इस चीज के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप सेपियंस बुक को पढ़िए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताती है किताब। लेकिन ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, हम आज की डेफिनेशन पर आए कम्युनिज्म की। तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा किस जमाने में कार्ल मार्क्स रह रहे थे, उनके आसपास की कंडीशंस क्या थी। कार्ल मार्क्स एक ऐसे जमाने में बड़े हुए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जस्ट शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आई मशीनें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। इन फैक्ट्रीज में दोस्तों अक्सर जो लेबरर्स काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, वो बहुत ही बुरी हालत में काम करते थे। इन फैक्ट्रीज के ओनर अक्सर अमीर लोग थे जो अपने मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते थे। जो ये ओनर्स थे फैक्ट्रीज के, ये अपने वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करवाते थे कम से कम पेमेंट देकर, और जो प्रॉफिट निकलता था इस फैक्ट्री से, वो ज्यादातर प्रॉफिट ये फैक्ट्री ओनर्स ही ले जाते थे। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के हिसाब से यहां पर दो क्लासेस थी। एक वो क्लास है अमीर फैक्ट्री ओनर्स की जो यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले जाती है, और दूसरी क्लास है इन मजदूरों की, वर्कर्स की, जो घंटों घंटों बुरी कंडीशंस में काम करते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता उसके बदले। इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करी जहां पर अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। एक तरह का इन्होंने यूटोपिया इमेजिन किया। यूटोपिया एक परफेक्ट सोसाइटी होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस यूटोपिया को इन्होंने नाम दिया कम्युनिज्म।
अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने डिटेल्स बताई कि कम्युनिज्म किस तरह से अचीव किया जा सकता है। इन्होंने कहा ये वर्कर्स साथ में मिलकर ओवरथ्रो कर सकेंगे जो भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है, जो भी राजा है या जो भी सरकार उस टाइम पर एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी ये जो फैक्ट्रीज हैं और ये जो खेत हैं, इनके मालिक कोई इक्का दुक्का फैक्ट्री ओनर या लैंडलॉर्ड नहीं होंगे, बल्कि सारी जनता होगी, सब के सब ओनर होंगे। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा अमीर गरीब के बीच में, किसी रेस के बीच में, किसी धर्म के बेसिस पर। फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं होगी। अगर कोई इंसान अमीर है तो ऐसा नहीं कि उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां अमीर रहेंगी, तो इनहेरिटेड वेल्थ अलाउड ही नहीं होगी। कोई प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये खेत मेरा है, ये जमीन मेरी है। हर कोई सारी जमीन को ओन करेगा, सारी फैक्ट्रीज को ओन करेगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, अमीर गरीब भी नहीं होंगे, सबके पास इक्वालिटी होगी और हर कोई हर चीज का मालिक रहेगा, एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें काफी आइडियलिस्टिक हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ थियोरेटिकल है। आप पूछोगे यहां पर ये प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये सब बोलने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में ये किया कैसे जा सकता है। और आप सही कह रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कम्युनिज्म की उन्होंने नहीं देखी। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रियलिटी में सही मायनों में मेजरली देखी गई रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के बाद। रशिया में कम्युनिस्ट वर्कर्स ने साथ में मिलकर अपने मोनार्क, अपने राजा जिसे जार कहा जाता था उस टाइम पर, उसे ओवरथ्रो किया। और इनके लीडर लेनिन ने पहली बार कम्युनिस्ट आइडियाज को एक बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट किया। लेनिन ने अपने जमाने के लिए काफी रेवोल्यूशनरी कदम उठाए। मजदूरों के ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, वर्किंग वीक को 8 घंटे पर दिन और हफ्ते में 5 दिन तक लिमिट किया गया। इससे पहले फैक्ट्रीज में 12, 13, 14 घंटे मजदूरों को काम करने को कहा जाता था, लेकिन लेनिन ने पहली बार इस 8 घंटे और 5 दिन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज के दिन दुनिया में काफी कॉमन है। हर कोई मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे पर दिन के लिए काम करता है। औरतों को इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन के लिए, खेती करने के लिए जमीन को अमीर लैंड ओनर से छीन लिया गया और किसानों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो फैक्ट्रीज थी उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सरकारी कंट्रोल के अंदर ले लिया गया। लेकिन अगर आपको याद हो दोस्तों, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखे गए ओरिजिनल आइडियाज थे, उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि सरकार चीजों पर कंट्रोल रखेगी, उसमें कहा गया था कि जनता कंट्रोल करेगी सब चीजों को। तो ऑलरेडी आप इसे कह सकते हो कि लेनिन ने जो अपना कम्युनिज्म इंप्लीमेंट किया वो मार्क्स के जो आइडिया सोचे गए थे उससे थोड़ा अलग था। अब जरा सोचकर देखें दोस्तों, अगर इतने बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे इतने बड़े देश में, सोवियत यूनियन जितने बड़े देश में, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वहां रहने वाला हर इंसान इस चीज से एग्री करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये जो सरकार करने लग रही है ये सही नहीं है, हम इससे डिसएग्री करते हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन लेनिन का मानना था कि जो मैं कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं, और उनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसी रीजन से उन्होंने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया और एक वन पार्टी स्टेट एस्टैब्लिश करी। इनफैक्ट एक ऐसी स्टेट जहां पर पार्टी को क्रिटिसाइज करना ही अलाउड नहीं था। एक सीक्रेट पुलिस लोगों पर स्पाई करती थी कि कोई हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करेगा तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। कोई इंसान जो कम्युनिज्म को अपोज करेगा या सस्पेक्ट भी किया जाता है कि ये इंसान कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोल रहा है, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था या डिपोर्ट कर दिया जाता था या फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इसे सोवियत कम्युनिज्म कहा जाता है। आज के दिन ज्यादातर लोग कम्युनिज्म को इसी सोवियत कम्युनिज्म से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कम्युनिस्ट इस लेनिनिज्म से एग्री नहीं करता था। जैसे कि एक बड़ी फेमस पोलिश कम्युनिस्ट थी रोजा लक्समबर्ग, जो कि इस लेनिनिज्म के सख्त खिलाफ थी। ये सपोर्ट करती थी लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म को, एक ऐसा मार्क्सिज्म फिलॉसफी जहां पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, लोगों को अपना फ्रीडम दिया जाए। लेकिन एनीवेज 1924 में लेनिन का देहांत हो गया और उनके बाद आए स्टालिन, जिन्होंने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट किए कम्युनिज्म को लेकर, जो कि और भी बदतर थे लेनिन से। स्टालिन की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो मार्क्स की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से और भी दूर चली गई। स्टालिन ने कोशिश करी कि कैसे हम फैक्ट्रीज का आउटपुट बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने मजदूरों से और ज्यादा काम करवाया और मजदूर फिर उन्हीं बेकार कंडीशंस में काम करने लग गए जिसके बारे में मार्क्स ने मेंशन किया था। बस फर्क यह था कि इस बारी फैक्ट्री के ओनर्स कोई अमीर बिजनेस ओनर्स नहीं थे बल्कि गवर्नमेंट थी। सोवियत यूनियन की सरकार ने अपने वर्कर्स को उन्हीं बेकार कंडीशंस में रखा और इकोनॉमिक हालत इतनी खराब थी कि मिलियंस ऑफ लोग मारे गए फैमिन की वजह से, भूखमरी की वजह से। कई लोग इसी रीजन की वजह से दोस्तों स्टालिन की आइडियोलॉजी को स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं, कि इसका कम्युनिज्म से ज्यादा कुछ लेना नहीं है बल्कि ये कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर था जो कि स्टेट कंट्रोल्ड था।
इसके बाद आए दोस्तों माओ, जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और भी ज्यादा एक्सट्रीम थी और भी ज्यादा वायलेंट थी। इनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कहीं ना कहीं ये वायलेंस के लिए एडवोकेट करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी को कहा जाता है माओइज्म, और माओइस्ट शब्द यहीं से निकल के आता है। जो नक्सल माओइस्ट इंडिया में हथियार उठाए खड़े हैं वो इन्हीं की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो इतने वायलेंट हैं, खून खराबे में विश्वास रखते हैं। सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड होकर दुनिया भर में ढेरों कंट्रीज ने कम्युनिज्म इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। इन सब कंट्रीज में अपने अपने आइडियाज इंप्लीमेंट किए गए कम्युनिज्म के, कि इनके हिसाब से एक्चुअली में कम्युनिज्म कैसे काम करना चाहिए और एक्चुअली में प्रैक्टिकली कैसे काम करा। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिली इन सारी कंट्रीज में, इन सब कंट्रीज में डिक्टेटरशिप्स थी। ज्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज डिक्टेटरशिप्स में बदल गई। ऐसा क्यों हुआ इसकी मैं आगे बात करूंगा जब मैं कम्युनिज्म के फेलियर्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन दुनिया भर में कम्युनिज्म की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान खोई। एक तरफ थे स्टालिन और माओ जैसे डिक्टेटर्स जो लोगों को मार डालते थे इस रीजन की वजह से कि उन्हें लगता था ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट हैं। दूसरी तरफ थे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, स्पेन में फ्रांको, जो अपने देशों में लोगों को मार डालते थे इस शक से कि कहीं वो कम्युनिस्ट तो नहीं। इनफैक्ट हिटलर और मुसोलिनी के बारे में कहा जाता है कि एक टेक्निक जो इन्होंने इस्तेमाल करी पावर में आने के लिए वो यही थी कि लोगों को डर दिखाया कि ये देखो ये कम्युनिज्म है, ये हमें खत्म कर डालेगा, तो कम्युनिज्म से बचना है तो मुझे वोट दो, और इसी तरह से ये लोग पावर में आए और डिक्टेटर बने। तो अभी तक आप एक चीज समझ गए होंगे दोस्तों कि कम्युनिस्ट होना या ना होना ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। इसे आप एक स्पेक्ट्रम की तरह समझो, इसे आप एक ग्राफ बना सकते हो। इनफैक्ट एक तरफ है कम्युनिज्म कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ है ग्राफ के एक्सिस में डिक्टेटरशिप और फ्रीडम को सपोर्ट करना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना। तो कुछ डिक्टेटर्स जैसे कि स्टालिन वो कम्युनिस्ट की साइड पर हैं लेकिन डिक्टेटर्स हैं, लेकिन कुछ डिक्टेटर्स जैसे हिटलर कैपिटलिज्म की साइड पर ज्यादा हैं लेकिन फिर भी डिक्टेटर्स हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वो इस सेक्शन में आएंगे। कम्युनिज्म के इतनी बुरी तरह से फेल होने के पीछे क्या कारण थे इसकी हम आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्या सक्सेसफुल आइडियाज थे जो दुनिया ने कम्युनिज्म से बोरो की, यानी कह सकते हो ऐसे आइडियाज जो कम्युनिज्म में सक्सेसफुल निकले और बाकी दुनिया ने उन्हें इंप्लीमेंट कर लिया आज के दिन। पहला आइडिया है एक क्लासलेस सोसाइटी का, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई क्लास डिफरेंस नहीं है, ऊंची जाति नीची जाति के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। आज के दिन जनरली दुनिया भर में हर कोई एक्सेप्ट करता है कि रेसिज्म कास्टिज्म सेक्सिज्म एक बुरी चीज है, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना बुरी चीज है, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना एक अच्छी चीज है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज मेरी राय में इस आइडिया को बहुत एक्सट्रीम में ले गई, कि मतलब लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसे समझ लिया कि लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हर किसी को सेम घर दिया जाए, सेम गाड़ी दी जाए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए, किसी भी इंसान के बीच में अलग अलग बिलीफ ना हो, कोई इस धर्म में बिलीव नहीं कर सकता, कोई इस विचारधारा में बिलीव नहीं कर सकता। इसी रीजन से कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप्स बनी। इनफैक्ट अगर आप आर्किटेक्चर पर भी फोकस करोगे कम्युनिस्ट कंट्रीज में तो इस तरह की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही बोरिंग सा डिस्टोपियन दिखने वाला स्टाइल है बिल्डिंग्स में, कि कोई क्रिएटिविटी नहीं, लोगों को अपनी बिलीफ्स एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। दूसरा आइडिया है इनहेरिटेंस ना होना। हम में से हर कोई आज आवाज उठाता है नेपोटिज्म के खिलाफ, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ, और ये कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी मिलती जुलती चीज है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई इनहेरिटेंस नहीं होनी चाहिए, और अगर रियलिटी में इंप्लीमेंटेशन देखा जाए तो कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जैसे कि कई यूरोपियन कंट्रीज में एक इनहेरिटेंस टैक्स एग्जिस्ट करता है, कि अगर आप ज्यादा अमीर हैं और आप अपने बेटे बेटियों को वो अमीरी गिफ्ट कर रहे हैं, इनहेरिट करने दे रहे हैं, तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। तीसरा आइडिया है वर्कर राइट्स का। जिस एक्सप्लॉयटेशन की बात कार्ल मार्क्स ने करी थी आज के दिन भी वो कई जगह हमें देखने को मिलती है। इसी रीजन से ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें वर्कर यूनियंस लेबर यूनियंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट भी चलने लग रहे हैं इसमें भी कई किसान संगठनों ने पार्टिसिपेट किया है। क्या है ये किसान संगठन एक्चुअली? ये सारे वर्कर्स मिलजुल कर आते हैं और एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं जब भी इन्हें लगता है कि इन्हें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। ये सारे यूनियंस साथ में खड़े होते हैं वर्कर्स की आवाज उठाने के लिए या फिर किसानों की आवाज उठाने के लिए। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा था कि ज्यादातर फैक्ट्री ओनर्स अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करवाते हैं, कम से कम पैसे देते हैं। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आज के दिन ज्यादातर कंट्रीज में मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कि इससे कम तनख्वाह किसी वर्कर को नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे ही है फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर के आइडियाज, जो कि काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों कम्युनिज्म के फेलियर्स पर। क्या
क्या रीजन था कि जब भी कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई ये हमेशा फेल होते रहा? क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिज्म में मेरी राय में इसकी बेसिक डेफिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है। जो मैंने कहा था ना कि हर इंसान अपनी क्षमता के साथ काम करेगा लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से उसे चीजें मिलेंगी। अब जरा खुद ही सोचकर देखिए, अगर मैं यहां पर एक फिट और हेल्दी इंसान हूं और मैं अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत हार्ड वर्क करने लग रहा हूं, रोज काम करता हूं, लेकिन मुझे मिलता क्या है उसके बदले? मुझे वही मिलता है जो हर किसी को वहां पर मिले जा रहा है। तो मेरा इंसेंटिव क्या हुआ और ज्यादा हार्ड वर्क करने का? अगर मैं कम काम करूं तो भी मुझे उतना ही मिलेगा, अगर और भी कम काम करूं मैं तो भी मुझे उतना ही मिलेगा। अपने काम को बेहतर करने का और इंप्रूव करने का कोई रीजन ही नहीं एग्जिस्ट करता। क्या मिलेगा मुझे अगर मैं यहां पर और एफिशिएंट बनाऊंगा चीजों को और इनोवेट करूंगा चीजों को? कुछ नहीं मिल रहा, मुझे वही मिल रहा है जो मुझे हमेशा से ही मिलता रहा है। और जरा सोचकर देखिए, अगर हर इंसान सोसाइटी में रहने वाला ऐसे ही सोचने लग गया तो कोई कंपटीशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा सोसाइटी में, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में। ये वाला काफी फिलोसॉफिकल रीजन है कम्युनिज्म के फेलियर के पीछे। बाकी और प्रैक्टिकल रीजंस ये हैं कि जब आप रियलिटी में एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हो, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर हर कोई हर चीज का ओनर रहेगा, इस सोसाइटी में एक पावर वैक्यूम हो जाता है। मतलब टॉप पर स्पेस खाली है, कोई लीड करने वाला नहीं है, और इस पावर वैक्यूम की वजह से हमेशा एक डिक्टेटरशिप के लिए जगह बन जाती है कि कोई एक इंसान जो औरों को बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, और वो यहां पर एक डिक्टेटर बन जाएगा। और इसी डिक्टेटरशिप से फिर वन पार्टी रूल एस्टेब्लिश किया जाता है, लोगों के फ्रीडम्स छीन लिए जाते हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है या जान से मार दिया जाता है। और ऊपर से जब ये डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होगी तो रियलिटी में सरकार कंट्रोल करेगी सारी फैक्ट्रीज को, सारी जमीनों को, सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, कि लोगों में जो चीजें बांटी जाएंगी वो सरकार के कंट्रोल में होंगी। जब एक इंसान इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा या एक पार्टी इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगी तो इससे क्या होगा? करप्शन होगी। जो लोग पावर में बैठे होंगे वो करप्ट बनते जाएंगे क्योंकि उनके हाथ में इतना ज्यादा कंट्रोल है, वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं लोगों के बारे में, लोग कैसे घरों में रहेंगे, लोगों को कितनी जमीनें मिलेंगी, किसे कितनी फैक्ट्रीज मिलेंगी। एक्चुअली रियलिटी में जब भी कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई है प्रैक्टिकली, तब वो कम्युनिज्म नहीं रह जाता क्योंकि कोई ना कोई पार्टी आती है और सबको डिक्टेट करती है कि ऐसे काम करेंगी चीजें, जो कि ओरिजिनल डेफिनेशन से काफी अलग है। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है कम्युनिज्म की? कि हर इंसान हर चीज का ओनर रहेगा। लेकिन अगर एक पार्टी एक सरकार आकर यहां पर चीजों को कंट्रोल करने लग जाए तो ये कम्युनिज्म नहीं बचा, इसे कहा जाएगा सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है इसको मैं विस्तार से अगले वीडियो में समझाऊंगा। अब ये सब सुनने के बाद शायद एक सवाल यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि क्या कोई सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है कम्युनिज्म का, जहां पर कम्युनिज्म इंप्लीमेंट किया गया हो सही मायने में, जो इवेंचुअली एक डिक्टेटरशिप में या एक सोशलिज्म में ना बदल गया हो? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी कम्युनिटीज में। जब भी स्केल बड़ा हो जाता है, कंट्री के लेवल पर चला जाता है, तो कम्युनिज्म हमेशा फेल होते हुए ही दिखा है। लेकिन छोटी कम्युनिटीज में कम्युनिज्म थ्राइव किया है कुछ जगहों पर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, वो अर्ली ह्यूमंस थे जो ट्राइब्स में रहते थे, साथ में काम करते थे, जब पैसे का कंट्रीज का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में अगर आप बात करो तो इसके भी कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको जो छोटी कम्युनिटीज में काम करे हैं। जैसे कि ओशो का जो आश्रम था यूएसए में, जिस पर एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनी है, जिसमें लोग एक छोटे से कम्यून में रह रहे थे, साथ में मिलजुल कर सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, जहां पर कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था पैसे का। इसे राजनीशपुरम कहा गया था, इसे कह सकते हो कि कम्युनिज्म का एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन था। लेकिन सक्सेसफुल कहना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक्चुअली में इसका एंड में हुआ क्या, वो भी एक बड़ा फेलियर ही निकला। लेकिन इंडिया में अभी भी इसका एक एग्जाम्पल है शायद आप कह सकते हो, जो कि पुडुचेरी में एक छोटी सी कम्युनिटी है ओरोविल नाम से, जहां पर 2000 लोग रहते हैं एक कम्युनिटी में, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप का ऑफ लैंड, हाउसिंग और बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। वहां जो सारे लोग रहते हैं वो सबके लिए काम करते हैं, पूरी कम्युनिटी की देखभाल करते हैं, सबको अपने काम असाइन किए गए हैं, और पैसे का कॉन्सेप्ट भी इतना एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर। ओरोविल की कम्युनिटी एक्चुअली में कैसे काम करती है, मुझे लगता है इस पर मैं एक अलग वीडियो ही बना सकता हूं, शायद एक ग्राउंड रिपोर्ट काफी अच्छी रहेगी वहां जाकर बनाना। इसके बाद अगले वीडियोज इस सीरीज में मैं बनाऊंगा कैपिटलिज्म के ऊपर और सोशलिज्म के ऊपर, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट
इस वीडियो में जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ना समझ में आए हो वो उन वीडियोस में समझ में आ जाएंगे। और आप यहां पर अपनी राय भी बताइए नीचे कमेंट्स में लिखकर कि आपकी राय में क्या सक्सेसफुल आइडियाज हैं कम्युनिज्म के और क्या फेलियर्स और हैं कम्युनिज्म के। अगर मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या यूट्यूब पे मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।